विर व्यूवर्स प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंगेट दो देट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंटीन्यूटी और ये जो कंटीन्यूटी है क्लास ट्वेल्थ की इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद एक पार्ट और पढ़ेंगे तो हमारा ये जो क्लास ट्वेल्थ का कंटिन्यूटी है वो कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और कंटिन्यूटी में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और समझते हैं कि एक कंटिन्यूटी है क्या देखिए नाम तो इसकी मीनिंग तो आप जानते होंगे कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूस रहना हाँ कोई भी चीज़ कंटीन्यूस मतलब उसमें कोई भी ब्रेक ना हो एक फ्लो हो अगर हम ग्राफ के परस्पेक्टिव से बात करें तो ऐसा ग्राफ हो ठीक है जो कंटिन्यूस हो हाँ जिसमें कोई भी ऐसा ना हो कि कहीं रुक रहा हो या जंप कर रहा हो या ब्रेक कर रहा हो ठीक है तो नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कंटिन्यूटी जैसा कि नाम है कि हमें क्या करना होगा ये जो हमारे सिलेबस में कंटिन्यूटी है इसमें हमें क्या करना होगा फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी कि कोई भी फंक्शन है अगर उस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करें और देखें कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं है यानी एक फ्लो में है कि नहीं है वो ठीक है कहीं वो कहीं पे ब्रेक तो नहीं कर रहा है कहीं जंप तो नहीं कर रहा है ठीक है तो आ, अगर किसी फंक्शन की बात करें कोई अगर फंक्शन एफेक्ट्स है एफेक्ट्स है ये अगर कंटिन्यूस हुआ एट एक्स इज़ इक्वस टू ए पर ठीक है कोई भी फंक्शन एफेक्स कंटिन्यूस है एक्स इज टू ए पर ए पॉइंट पर तो ये पॉसिबल है जब तीन चीज़ें होंगी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट पे कब जब ये तीन चीज़ें होंगी जब भी वो कंटिन्यूस कहलाएगा क्या पहला तो ये हो कि एफ ए जो हो इज़ डिफाइंड हो ठीक है इसको हम डिफाइंड उस कर्व पे इसका मतलब ये होगा कि वो जो कर्व होगा एफ एक्स का जो भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और वो जो कर्व बने उसमें जो एफ़ ए हो यानी डोमेन में अगर हम ए पुट करें तो जो एफ ए आए वो उस कर्व पर हो या डिफाइन करें ठीक है दूसरा ये कि जो लिमिट हो अगर लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स ये एग्ज़िस्ट करे एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कब ये एग्जिस्ट करेगा जब एल एच एल इज़ टू आर एच एल होगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्व टू राइट हैंड लिमिट होगी ठीक है दूसरी कंडीशन ये है और तीसरी जो है कि लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स इज इक्व टू एफ ए क्या मतलब इसका मतलब यही हुआ कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्व टू आर एच एल हो और ये एफ ए के इक्वल हो तो ये जब तीन चीज़ें अगर होंगी तो वो फ़ंक्शन जो होगा वो उस पॉइंट पर एक्सिकल्स टू ए पर कंटिन्यूस होगा ठीक है इसको अगर आप ग्राफ से समझे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा सपोज़ ये डोमेन का है एक्सिस एक्स एक्सिस और ये वाई है आपका ठीक है और एक कर्व है एफेक्ट्स एक ऐसा कर्व है एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम प्लॉट कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह का एक कर्व बन रहा है ठीक है देखने से तो आपको लग ही रहा होगा कि ये कंटीन्यूस है देखिए इसका ग्राफ कंटिन्यूस ही दिख रहा है ठीक है इसमें अगर एक पॉइंट हम चूज़ करें ये सपोज ये पॉइंट जो है वो ए है एक्स इज इक्वल्स टू ए है और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है वो ऐसे होगी ठीक है तो अब आप ये ग्राफ है वाई इजिक्वल टू एफ एक्स का ठीक है अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये तीनों चीज़ें देखिए यहाँ पर हो रही है कैसे हो रही है पहली चीज़ एफ ए जो है वो डिफाइंड है एक्स इज इक्व टू ए पर एफ ए जो है वो इस कर्व पर है है ना एक्स इज इक्वस टू ए जब हम डोमेन दे रहे हैं तो एफ a क्या हो रहा है f a वैल्यू यहाँ पर मिल रही है यानी उसी कर्व पे तो इसका मतलब ये क्या हो गया ये ये तो डिफाइंड है ठीक दूसरा ये जो लिमिट है एफ एक्स की वो एग्जिस्ट कर रही है मतलब एल एच एल इज टू आर एच एल यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर हम एक्स इजिक्वस टू ए पॉइंट पर देखें तो ये जो हो गया ये इधर हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड जो है एल ये होगा पूरा और ये आर होगा आर एच एल होगी तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एल इज़ टू आर है तो जब एल इज टू आर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो ये दूसरी भी जो तो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है ठीक है और तीसरी यहाँ पर एल इज़िकल्स टू आर तो है ही और वही इक्वल है किसके F A के ठीक है तो ये तीनों चीज़ें जो है सेटिस्फाइड हो जा रही तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूस है ठीक है तो कंटिन्यूस होने के लिए भी किसी भी फंक्शन में ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है कि जिस पॉइंट पर कंटीन्यूस कंटिन्यूटी इसकी देखी जा रही है उस पॉइंट पर जो एल एच एल या एल या आर होगी वो दोनों इक्वल होनी चाहिए और वो एफ ए की इक्वल होना चाहिए और एफ़ ए जो है वो उस कर पर होना चाहिए तो ये कंटिन्यूटी होने के लिए ज़रूरी है इसी को अगर एक अदर वर्ड में अगर हम इसको समझें तो इसको अगर हम वर्ड में इस तरीके से लिख सकते हैं कि अ फंक्शन इज़ कंटीन्यूस इज़ कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन if its graph is a curve a curve without without breaks or jump देखिए क्या है ये वही चीज़ है कि कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूस अपने डोमेन में होगा कब जब उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा कर्व हो जिसमें ना तो कोई ब्रेक्स हो और ना ही कोई जंप हो यहाँ पे देखिए कोई ब्रेक है यहाँ से एक कर्व चला आ रहा है कहीं भी ब्रेक नहीं मिल रहा ना ही जंप हो रही है मतलब यहाँ पर अगर आप एक पेन पेन आप रख रहे हो तो बिना पेन उठाए ही आप पूरा ये जो ग्राफ है प्लॉट कर सकते हो इस कर्व को वहीं अगर कोई ब्रेक होगा और जंप होगा तो आपको पेन उठाना पड़ेगा सपोज़ यहाँ पे लाए अब यहाँ पे ब्रेक हो गया तो आपको पेन उठाकर फिर दूसरा करना पड़ेगा तो फंक्शन का कंटिन्यूस होने के लिए उसमें कोई भी ब्रेक या जंप्स जंप्स नहीं होने चाहिए ठीक है अब क्या होगा सपोज़ अगर ब्रेक आया अगर ब्रेक आया तो देखें ब्रेक आया तो क्या होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा डिसकन्टिन्यूट हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगी डिसकन्टीन्यूटी आ जाएगी ठीक है अगर ब्रेक हुआ कैसे हो जाए ब्रेक हो देखिए सपोज़ फिर ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है ठीक अब देखिए इसी तरीके से तो ये ग्राफ आ रहा था लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो गया फिर ये ऐसा चला गया ये कहाँ पे ब्रेक हुआ एक्स इक्वल्स टू ए पर ब्रेक हुआ यहाँ पे सपोज़ एफ ए है ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगर ब्रेक आ गया यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया है ठीक है तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ब्रेक पे तो वो कंटिन्यूस होगा नहीं तो उसमें डिसकन्टीन्यूटी आ जाएगी अब अगर ये ब्रेक हो गया तो ये तीनों चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेंगी देखिए ये तो आपको मिलेगा यहाँ पर एल इजिक्वल टू आर तो मिलेगा आपको ठीक है ना और ये एफ ए के इक्वल भी हो जाएगा यहाँ पे एल इजिक्वल्स टू आर तो होगा ठीक है और ये एफ ए के इक्वल भी हो सकता है लेकिन एफ ए डिफाइंड ही नहीं होगा कि एक्स इज इक्वल टू एफ ए इस ग्राफ पे है ही नहीं ठीक है तो ये डिसकन्टीन्यूटी हो जाएगी यानी ब्रेक हुआ तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा ठीक है इसी तरीके से अगर जंप हुआ जंप का क्या मतलब है जंप का मतलब ये हो गया कि इसको भी ग्राफ से समझिए सपोज़ ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ओरिजिन ले ले रहा सपोज़ इस तरीके से ये इधर से आ रहा है ठीक और ये एक्स आ गया एक्स इक्वल टू ए है और यहाँ से फिर वो जंप मार ले रहा है ऊपर इस तरीके से चला जा रहा है। ठीक अब सपोज़ ये एफ ए हो गया यहाँ पर एल एच एल जो होगी वो तो आपकी ये होगी एल और आर एच सॉरी आर एच एल जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी तो यहाँ पे एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर आ जाएगा है ना तो जब एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर या लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा डिसकन्टीन्यूस हो जाएगा फंक्शन इसीलिए ब्रेक और जंप में फंक्शन कंटीन्यूस नहीं हो सकता हो कंटिन्यूस होने के लिए ब्रेक और जंप उस कव में नहीं होना चाहिए तो इस तरह का अगर जंप है और अगर एल इज नॉट इक्वल्स टू आर आ रहा तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा और ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फर्स्ट काइंड ठीक इसको पहले तरह की डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड वेयर एल इज़ नॉट इक्वल टू आर होगा ठीक है इसी तरीके से एक होती है डिस्कंटीन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड ये कब होगी ये तब होगी जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो डिफ़ाइंड नहीं होगी या राइट हैंड डिफ़ाइंड नहीं होगी या दोनों में से कोई भी डिफाइंड नहीं होगी तो वो डिसकन्टीन्यूटी सेकेंड काइंड की हो जाएगी कैसे समझेंगे आप इसको सपोज़ इसको भी ग्राफ से बना रहे हैं ये इक्वल्स टू एक पॉइंट है सपोज़ ठीक है ये लाइन है उसकी अब यहाँ से एक ग्राफ आ रहा है जो ऐसे चला गया इन्फिनिटी पे और यहाँ से एक मिल रहा है वो ऐसा चला गया ठीक है तो आप यहाँ पे देखिए कि आर जो है राइट हैंड लिमिट जो है वो तो आपकी डिफाइंड है लेकिन जो एल है लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डिफाइंड ही नहीं है ये कहाँ तक तो चली जा रही है इन्फिनिटी तक तो चली जा रही है तो ऐसी ऐसा ग्राफ जो होगा ऐसा फंक्शन जो होगा वो उसकी जो डिसकन्टीन्यूटी होगी वो सेकेंड काइंड की होगी जिसमें कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस एफ एक्स ये क्या हो ये क्या हो नॉट डिफाइंड हो कभी ऐसा भी होगा कि लिमिट एक्सटेंस टू ए पॉजिटिव एफेक्ट ये ना डिफाइन हो यानी ये इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ चला जाए तो भी वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड के लिए डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड के लिए तीन चीज़ें हो सकती हैं या तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो वो डिफ़ाइन ना हो वो क्या हो वो इन्फिनीटी तक चला जाए या राइट right हैंड जो हो लिमिट हो वो भी इन्फिनी तक चली जाए ठीक है या दोनों चली जाए तो वो डिसकन्टीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड होगी ठीक है आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको और एक डिसकन्टीन्यूटी और होती है जिसको हम रिमूवेबल डिसकन्टीन्यूटी बोलते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं उसको समझने के लिए रिमूवेबल uh, डिस्कटीन्यूटी पे चलने के लिए uh, चलते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको मैं ग्राफ एक बार और बना के दिखा दे रहा हूँ ये जो डिसकन्टीन्यूटी होगी डिसकंटी न्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड जो होगी सेकेंड काइंड इसमें मैंने बोला था कि तीन चीज़ें हो सकती हैं पहली चीज़ तो ये होगी कि uh, जो लिमिट होगी ठीक है ये क्या होगी डिफाइंड नहीं होगी ठीक है और राइट हैंड जो होगी ये डिफाइंड होगी ठीक है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा सपोज़ ये x इज इक्वल्स टू ए की लाइन है तो यहाँ से ग्राफ आ रहा है ये इधर चला जा रहा है। जो मैंने पहले बता चुका हूँ बना चुका हूँ इस चीज़ को ठीक तो यहाँ पे देखिए R तो आपका डिफाइंड है लेकिन एल जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये डिफ़ाइंड नहीं है और एक पॉसिबिलिटी होती है इसकी वाइस वर्षा हो सकती है ठीक है कि सपोज़ एक्स इज़ इक्वल्स टू ए है कि ये एल आपका हो गया ये तो डिफाइंड है पर ये जो है वो कुछ इस तरह का चला गया जो आर जो है वो इन्फिनिटी तक चला गया यानी वो आर जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो डिफाइंड नहीं हो पा रही है ठीक और तीसरा ऐसा है कि दोनों ही ना डिफाइंड हो ना लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड हो ना राइट हैंड लिमिट डिफाइंड हो ठीक है तो ये एक्स इजिक्वल्स टू ए की अगर लाइन है और ये ज़ीरो हम ले लें और ये एक्स और इसको वाई ले लें तो सपोज इस तरह का फंक्शन है ये इधर चला गया और ये इधर चला गया तो देखिए कंटिन्यूस तो कहीं से नहीं दिख रहा ना ये यहाँ पे कट गया फिर यहाँ से फिर शुरू हो गया पेन आपको उठाना पड़ रहा है यहाँ से ये लेकिन ये डिसकन्टीन्यूटी है तीनों में लेकिन अलग अलग तरह की डिस्कंटीन्यूटी है मतलब ये सेकेंड काइंड की डिसकन्टीन्यूटी उसमें तीनों केसेस हैं कि इन तीनों केसेस में जो होगी वो डिसकन्टीन्यूटी सेकेंड काइंड की कहलाएगी इसमें देखिए ना एल का पता है और ना ही आर का पता है है ना ये इन्फिनीटी तक जा रहा है ये भी पॉजिटिव की इंफिनिटी तक जा रहा है तो ना तो ये डिफाइंड होगा लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड हो रही है ना राइट हैंड लिमिट डिफाइंड हो रही है तो ये सेकंड कैड की होगी उसके साथ साथ एक होती है रिमूवेबल रिमूवेबल डिसकन्टीन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं वो कुछ इस तरह की होगी कि आपका फंक्शन कुछ ऐसा होगा ग्राफ सपोज़ ये एक्सीजिक्स टू ए एक की लाइन है यहाँ पर आएगा ठीक है और यहाँ पे आके ब्रेक हो गया और फिर यहाँ से ऐसा चला गया सपोज ठीक वाई इज टू एफ एक्स अब यहाँ पर ये यह जो यहाँ पर जो ब्रेक हो रहा है वो आपको यहाँ मिल जाएगा ठीक है एफ ए यानी ये यह कर्व यहाँ पे जा रहा है और जैसे ही एक्स इज इक्व टू ए पे पहुँच रहा है वो कहाँ जंप मार ले रहा है यहाँ पे आ जा रहा है और फिर यहाँ से फिर शुरू हो रहा है जैसे ही एक्स इज टू ए से आगे बढ़ रहा ऐसा चला जा रहा तो इसमें क्या होगा कि जो एल होगा वो आर के इक्वल होगा एल इज़ इक्वल्स टू आर होगा यानी लेफ्ट हैंडिमिट इज इक्वल टू आर लेकिन ये नॉट इक्व टू एफ ए होगा देखिए एफ ए की इक्वल नहीं है ये एफ ए इतना हो रहा है और ये एल और आर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो ऐसी डिसकंटीन्यूटी को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे तो यह पूरी हर तरह की डिसकंटिन्यूटी हो गई आ, फर्स्ट काइंड भी देखा हमने तो ग्राफ के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की है आई होप कि जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी अब चलते हैं क्वेश्चंस पे कि कितनी तरह के क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे हमारे इस कंटिन्यूटी के चैप्टर से वो उस पर चलते हैं तो जो पहला टाइप है होता है कंटिन्यूटी में पहले टाइप के जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा कि ऑन टेस्टिंग कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट व्हेन द फंक्शन हैज सेम डिफिनीशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ गिवन पॉइंट पहले टाइप का ऐसा आ, हमें फंक्शन देगा जो डिफाइंड होगा सेम डिफिनीशन जिसकी होगी बोथ साइड्स बोथ साइड्स मतलब एक ओरिजिन है यहाँ पर एक है औरिजिन के लेफ्ट और राइट right, दोनों में जो डिफिनीशन होगी वो सेम होगी जैसे यहाँ पे आप देखिए ओरिजिन पे दे रखा है कि एक्स इज ठू जीरो पर एफ एक्स जो है वो वन है ओरिजिन पर तो दे रखा है लेकिन जो ओरिजिन के अलावा दे रखा है नॉट इक्स टू जीरो यानी चाहे वो लेफ़्ट हो चाहे वो राइट right हो वो डिफिनीशन उसकी यही होगी ठीक है तो जो पहला टाइप है वो ऐसे ही है कि बोथ साइड जो होगी उसकी बोथ साइड्स की जो डिफिनीशन होगी वो सेम होगी ठीक है सेकेंड टाइप में भी ऐसा होगा कि लेफ़्ट हैंड के लिए कुछ अलग डिफ़िनीशन होगी वो फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग होगी और राइट right हैंड की अलग होगी तो पहले हम टाइप वन में देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसमें हमें चेक करना है टेस्ट द कंटिन्यूटी इस फंक्शन की ओरिजिन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा एल एच एल देखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिटेड ओरिजिन कैसा होता है लिमिट इसका तरीका है लिमिट एक्स टेंस टू ओ ज़ीरो माइनस ठीक है एफ एक्स अब हम इसको क्या करते हैं आप इससे पहले भी जानते होंगे इस चीज़ को बेसिक्स तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं कि लिमिट इसको रिप्लेस कर देते हैं एच टेंस टू ज़ीरो और फिर एफ़ ये क्या हो जाता है ज़ीरो माइनस एच हो जाता है ठीक है अब इसकी वैल्यू क्या होगी इसको थोड़ा ज़ीरो है तो उसको हटा देते हैं एफ़ माइनस एच हो गया ठीक अब लेफ्ट हैंड के लिए भी यही है राइट right हैंड के लिए भी यही डेफिनेशन है तो इसमें रखते हैं मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच ये होगा ये माइनस तो मॉड से निकलेगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल होगा तो माइनस वन आ गया यानी लेफ्ट हैंड जो लिमिट आई है ओरिजिन पर वो माइनस वन आई आर एच एल निकाल कर देखते हैं एट ओरिजिन, इसके लिए भी क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ एक्स इसमें भी हम क्या करेंगे एच से इसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर ज़ीरो प्लस एच हो जाएगा फिर ये बेसिक है आप लोग इसको जानते होंगे पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको अब यहाँ पर मॉड ऑफ एच अपॉन एच एच अपॉन एच इट मीन्स वन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एल एच एल जो है ये नॉट इक्वल्स टू आर एच एल है ठीक है तो जब एल एच एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर एच एल है तो ये क्या होगा एफ एक्स इज नॉट इज नॉट कंटीन्यूस एट द ओरिजिन एट द ओरिजिन दैट इज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर यह कंटिन्यूस नहीं है ठीक है बहुत ही ईजी था आ, एक क्वेश्चन और लेते हैं टाइप वन पे ये तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही ईजी था कुछ भी मुश्किल नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक रिमाइंड कराना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर एल एच एल इज़ नॉट इक्स टू आर एच एल है तो ये कंटीन्यूस नहीं है कंटीन्यूस नहीं है तो ये क्या है ये डिसकनटी डिसकन्टीन्यूअस फंक्शन हुआ तो ये डिसकन्टीन्यूस फंक्शन हुआ लेकिन किस काइंड का काइंड फर्स्ट काइंड का होगा डिसकंटिन्यूस हुआ किस काइंड का होगा डिसकन्टीन्यूस हुआ ये फर्स्ट काइंड का ठीक है क्योंकि एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल आया इसमें ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमें शो करना है कि ये जो इफेक्ट्स है वो कंटिन्यूस है ओरिजिन पर ठीक है पहला क्वेश्चन जो लिया था वो तो डिसकन्टीन्यूस डिसकन्टीन्यूटी थी उसमें फर्स्ट काइंड की कंटिन्यूस नहीं था क्योंकि एल और आर एच इक्वल नहीं थी ये सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसमें इसमें भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे पहले हम वही करेंगे एल एच एल देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर यानी लिमिट एच जीरो माइनस एफ एक्स फिर इसको चेंज करेंगे एच जीरो से देन एफ जीरो माइनस एच इट मींस लिमिट एच टेंस टू जीरो Uh, f माइनस एच ठीक है अब वही है इसमें भी देखें आप तो ज़ीरो पे तो ज़ीरो वैल्यू है ओरिजिन पे। बाकी ज़ीरो अगर नहीं है तो लेफ़्ट हैंड पे भी वही है राइट हैंड पे भी वही है तो ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर एफ़ एक्स अगर होता तो एक्स यानी एक्स की जगह पे माइनस एच रखना है माइनस एच साइन ये वन माइनस एच हो जाएगा ठीक वो यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गया मैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ठीक है चलिए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और ये माइनस माइनस गेट प्लस साइन साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखें तो ये ज़ीरो हो जाएगा और इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी माइनस वन टू वन के बीच में ही होगी तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने पर वो ज़ीरो ही आ जाएगी ठीक फिर आ, आर एच एल एट एक्सिक्वल टू ज़ीरो पर देखें तो फिर वही सेम प्रोसेस तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो, जीरो एफ एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच साइन ओ वन बाई एच वही सेम आ गया इसमें भी रखेंगे तो फिर ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी एल एच एल और आर एच एल जो है वो इक्वल आ जा रही है और ये इक्वल ज़ीरो का है और वही जो इक्वल है आपके एफ़ जीरो के इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये एक्स इज टू ज़ीरो पर ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है ट्वेंटी न्यूस है यही आपका प्रूव्ड हो गया या ठीक तो ये फर्स्ट टाइप का था दो क्वेश्चन हमें देख लें फर्स्ट टाइप के सेकंड टाइप पे चलते हैं ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था और इसमें कंटिन्यूटी हमें शो करनी थी कि ये कंटीन्यूस है नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं टाइप टू जो है बताया था मैंने आपको कि टाइप टू जो questions, जो क्वेश्चन जो दूसरे तरह के क्वेश्चन वो बनेंगे उसमें क्या होगा कि जो डिफिनेशन्स होगी फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एक गिवन पॉइंट के दोनों तरफ अलग अलग वैल्यूज़ होंगी यानी लेफ्ट हैंड में अलग होंगी राइट right हैंड पे अलग होंगी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू पर हमें चेक करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टू वेर एफ एक्स दे रखा है अब हमें एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टू की वैल्यू दे रखी है इस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और इसमें क्या है कि x इज इक्वल टू वन बाई टू पर तो वन है उसकी वैल्यू लेकिन उसके निगेटिव लेफ्ट हैंड पे इसकी वैल्यू ये होगी यानी डिफिनीशन यदि हुई है और राइट right हैंड पे इसकी डिफिनेशन यदि हुई है ठीक है लेफ्ट हैंड पे यानी जब निगेटिव में जाएंगे यहाँ से x इज़ इक्व टू वन बाई टू से यानी इस तरफ तो ये है और पॉजिटिव में जाएंगे तो ये है इसकी डिफ़िनीशन यानी दोनों बोथ साइड में अलग अलग डिफरेंट डिफिनेशन है सी बी एस ई टू थाउजेंड एलेवन का ये क्वेश्चन है चलिए इसको सॉल्व करते हैं हर बार की तरह इसमें भी वही करेंगे सबसे पहले एल एच एल निकालेंगे एट एक्स इजिक्वल्स टू वन बाई टू पे तो लिमिट यहाँ एक्स टेंस टू वन बाई टू निगेटिव पे जाएगा एल एच एल के लिए और एफ एक्स फिर हम इसको क्या करते हैं एच से रिप्लेस कर देते हैं और ये बन जाता है आपका वन बाई टू माइनस एच ठीक है अब क्योंकि ये हैंड है ठीक है निगेटिव वाली है तो ये वैल्यू आएगी इसकी तो यानी वन बाई टू माइनस एक्स की जगह पे वन बाई टू माइनस एच ठीक लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस एच ये कैंसिल और इसमें जब एच इल्स टू ज़ीरो रखेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी ठीक है फिर आर एच एल निकालें अगर तो लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू के पॉजिटिव में चलें राइट हैंड के लिए तो इसमें भी अगर हम पुट करें एच इज इक्व टू जीरो एफ हो जाएगा वन बाई टू प्लस एच ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये निगेटिव वाला था इसके निगेटिव का था लेफ्ट हैंड की बात थी तो ये वैल्यू ली थी लेकिन अब जब पॉजिटिव है यानी वन बाई टू से वैल्यू ज़्यादा हो तो ये थ्री बाई टू वाली वैल्यू लेंगे हम थ्री बाई टू इसके डिफिनेशन के राइट right हैंड ये इसका लेफ़्ट हैंड था तो लेफ़्ट हैंड में यहाँ पर हमने ये इसकी वैल्यू ली है वन बाई टू माइनस एक्स सॉरी यहाँ पे वन बाई टू माइनस एक्स लिए और क्योंकि जब पॉजिटिव है वन बाई टू के पॉजिटिव राइट हैंड में अगर हम जाएँ तो वन बाई टू से ज़्यादा हो रही वैल्यू यानी राइट right हैंड पे तो ये लेना पड़ेगा तो थ्री बाई टू माइनस एक्स एक्स की वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगी वन बाई टू प्लस एच यहाँ पर देखो तो लिमिट लिखना भूल जा रहा हूँ मैं यहाँ पे भी लिमिट लिखना होता है थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस एच ठीक है अब ये एच की प्लेस पे ज़ीरो हम पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री बाई टू जब हम एच की वैल्यू रख लेंगे ज़ीरो तब लिमिट हटेगी यहाँ पे भी आपको लिमिट लिखना है माइनस वन बाई टू एच तो आपका ज़ीरो हो गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो टू एल्स लिया तो थ्री माइनस टू एच ने टू बाई टू मीस वन यानी यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एल एच एल है वो आर एच एल के इक्वल नहीं है एट एक्स इज़ ईक्स टू वन बाई टू के ठीक है या इसको और ऐसे लिखना चाहेंगे तो जो एल एच एल है वो नॉट इक्वल्स टू आर एच एल है और ये आर एच एल तो एफ़ इज वन बाई टू के इक्वल है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है आपकी वन वन दोनों की सेम आ रही है तो क्योंकि एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटीन्यूटी होगी फर्स्ट डिसकंटीटी ऑफ फर्स्ट काइंड की होगी ऑफ फर्स्ट काइंड होगी यानी ये कंटिन्यूस नहीं होगा इसकी हमें कंटिन्यूटी पता करनी थी डिस्कस करनी थी तो हमने इसको सॉल्व किया एल एच एल और आर एच आर एच एल के ज़रिए तो हमें ये पता चला कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है इसके अंदर डिसकन्टीन्यूटी है फर्स्ट काइंड की क्योंकि इसमें एल एच एल इज़ नॉट इक्वल्स टू आर एच एल है ठीक है चलिए ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए एक तरह का क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम इसमें कंटिन्यूटी में चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन थर्ड टाइप देख लेते हैं कि थर्ड टाइप कैसा होता है किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसमें थर्ड टाइप में तीसरा जो टाइप है तीसरे टाइप का जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या होगा कि ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अ कांस्टेंट गिवन इन द ऑफ अ फंक्शन व्हेन इट इज़ कंटिन्यूस एट एन इंडिकेटेड पॉइंट ये जो तो थर्ड था, टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा कि कह देगा कि फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है ये गिवन होगा और इस कंडीशन पर हमें कॉन्स्टेंट जो होगा उस फंक्शन की जो डिफिनीशन में कॉन्स्टेंट होंगे उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन टाइप थ्री पे ही बनते हैं एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है देख सकते हैं आप इसमें ये चार बार आ चुका है बोर्ड में और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कंटिन्यूटी में चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं इफ़ द फंक्शन एफेक्स इज गिवन एज एफ्स एक फंक्शन गिवन है जिसमें अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए और बी दो कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं तो इन्हीं कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ द फंक्शन ये क्या है अगर वो कॉन्स कंटिन्यूअस फंक्शन हो एक्सी प्लस टू ए बार तो हमें इसकी ए एन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थर्ड टाइप में हमें यही करना होगा कि वो जो होगा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस दे रखा होगा और हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ठीक है तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अच्छे को अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं अब आ, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये कंटिन्यूस है फंक्शन तो जब अगर कंटिन्यूस है तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो एल एच एल है इज़ इक्वल्स टू आर एच एल है और इज इक्वल्स टू एफ वन इट मीन्स एफ वन इज मीन्स एलेवन है क्यों क्योंकि ये दे रखा है कंटिन्यूस है कंटिन्यूस होने के लिए क्या होता है एल एच एल आर एच एल इक्वल होना चाहिए और वही एफ़ ए यानी जिस पॉइंट की बात की जा रही है एक्स इजिक्वस टू वो इसके इक्वल होना चाहिए और वो जो है एफ इजिक्वस टू वन पर कितना है वो एलेवन है तो ये जो है आपका गिवन है आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं आपको यहाँ पर ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये चीज़ जो है हम कंक्लूड करके निकालेंगे कि ये उसकी एल एच एल आर एच एल की इक्वल होगी और वो एफ़ वन इक्वल होगा और यहाँ पर एफ वन जो है वो 11 है तो ये आपको एक इक्वेशन मिला हुआ है ठीक है इससे आपने कंक्लूड करके निकाला है तो सबसे पहले हम एल एच एल निकालते हैं तब सबको इक्वेट कर देंगे तो एल एच एल निकालते हैं हम एट एक्स इज इक्व टू वन पर तो लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस की तरफ निगेटिव में एफ एक्स फिर लिमिट h से इसको रिप्लेस कर देते हैं और ये हो जाएगा एफ़ वन माइनस एच क्योंकि ये निगेटिव की बात हो रही है तो निगेटिव की जो वैल्यू है वो यही है ना ये तो वन पॉजिटिव वन से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी ये निगेटिव में आएगी या लेफ्ट हैंड में आएगी ये ठीक है तो यहाँ पर है लिमिट h टेंड्स टू तो ज़ीरो एफ फाइव फाइव वाला लेंगे हम इसमें ठीक है x की जगह पे वन माइनस एच रख दे रहे हैं माइनस टू बी ठीक है अब आप एक काम कीजिए h की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो अगर आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा f फाइव ए वन माइनस ज़ीरो इट मीनस वन टू बी या ये हो जाएगा आपका फाइव ए माइनस टू बी ठीक चलिए अब आर एच एल की तरफ चलते हैं एक्स इज़ इक्वल्स टू वन पे तो लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव पे चलते हैं एफ़ एक्स या वही लिमिट इसको रिप्लेस करें तो एफ वन प्लस एच या लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो अब जब राइट right हैंड की बात आ रही है तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम तो थ्री ए एक्स की जगह पर वन प्लस एच प्लस बी एच इजिक्वल टू ज़ीरो रखें तो थ्री ए वन प्लस जीरो प्लस बी इट मीन्स थ्री ए प्लस बी ठीक है अब ये जो एल एच एल निकाला है आर एच एल निकाला है वो इस इक्वेशन में पुट करें अगर हम तो फाइव ए माइनस टू बी इज इक्वल्स टू थ्री ए प्लस बी इजिक्वल टू आएगा अब एक बार इन दोनों को लेकर एक इक्वेशन लिख लेते हैं ठीक है फाइव ए माइनस टू बी इज इक्व टू एक इक्वेशन ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा थ्री ए प्लस पी इज इक्वस टू एलेवन इसमें हम टू से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स ए प्लस टू बी प्लस ट्वेंटी टू प्लस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा एलेवन ए इज़ इक्व टू थर्टी थ्री इट मीन्स ए इज़ इक्वस टू थ्री ए की वैल्यू इस वाले में अगर आप रख दें तो थ्री इंटू थ्री प्लस पी इज इक्व टू इट मीन्स p इज इक्व टू इलेवन माइनस नाइन बी इज इक्व टू टू तो देखा आपने ए इज इक्व टू थ्री आया और बी इज इक्व टू टू आया तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और उसे हमने फाइंड आउट कर दिया ए इज इक्व टू थ्री बी इज इक्वल टू टू तो जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो सबसे पहले कंटिन्यूस होने की वजह से ये आप जब कंक्लूजन पे इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि आप अगर वो कंटिन्यूस है तो एल एच एल इज टू आर एच एल और वो एफ वन के इक्वल होगी एफ ए के इक्वल होगा तो उस पर ही निकाल कर बस आपको पुट करना होगा ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप थ्री से तो एक क्वेश्चन और लूँगा मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्या ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे इस वीडियो का आ, ये 2018 और 16 में पूछा गया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने ले लिया ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन जो और जो दूसरे क्वेश्चन इस टाइप के हों वो इसकी हेल्प से आप उसको लगा सकें चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं लेट एक्स दे रखा है कि व्हेन एक्स इज़ लेस देन पाई बाई टू तो उसकी वैल्यू ये होगी पाई बाई टू है तो ये ए होगा और पाई बाई टू से ज़्यादा है तो ये होगी कह रहा अगर एफ एक्स एक्स इज़ इक्व टू पाई बाई टू यानी नाइन्टी डिग्री पर कंटिन्यूस है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये जो टर्म्स हैं ये जो इसकी वैल्यू है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है इसको ध्यान से देखिए समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले तो अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर वही कि जो इसकी जो एल एच एल होगी या इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू माइनस एफ एक्स ये इक्वल होगी लिमिट एल एच एल यही तो होती है एल एच एल जो होगी वो आर एच एल इक्वल होगी और वही वो एफ ए ए की वैल्यू मतलब पाई बाई टू के इक्वल होगी और वो दिया हुआ है ए ठीक है पहले जो अगर वो कंटिन्यूस हुआ तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एल एच एल इज़ इक्वल टू आर एच एल इज़ इक्व टू एफ ए और जो वैल्यू यहाँ पे दी हो रखी है ए के ठीक है ये तो क्लियर है पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या लिख दिया था इसी को एल एच एल लिख दिया था इसको आर एच एल लिख दिया था इसको इजिकल्स टू एफ ए यहाँ पर क्या है पाई बाई टू इसलिए पाई बाई टू और वो पाई बाई टू क्या है पाई बाई टू की वैल्यू पाई बाई टू रखने पे जो एफ ए आएगा वो ए आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं पहले लेफ्ट हैंड पे चलते हैं लेफ्ट हैंड पे चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे तो लिमिट लेफ्ट हैंड की जो लिमिट है उसमें हम एच कर दें और ये यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा देन लिमिट एच टेंस टू जीरो लेफ्ट हैंड की बात है तो लेफ्ट हैंड इस पॉइंट का लेफ्ट क्या होगा ये तो नहीं ये तो राइट होगा ये लेफ्ट होगा यानी पाई बाई टू है पाई बाई टू से कम अगर हुआ वो लेफ्ट वाला होगा तो पाई बाई टू से कम की जो वैल्यू है उसके लिए ये है तो ये रख देंगे वन माइनस साइन क्यूब एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एच अपॉन थ्री कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एच ठीक लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन माइनस ये क्या हो जाएगा नाइन्टी माइनस थीटा कॉस हो जाएगा कॉस क्यूब एस और ये नाइन्टी माइनस साइन हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एच ठीक अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप एच इज इक्वल टू ज़ीरो पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं होगा करके देखिए सपोज अगर आप एच इज इक्व टू जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू वन वन माइनस वन ऊपर तो ज़ीरो आ रहा है नीचे देखिए साइन जीरो के लिए जीरो तो जीरो जीरो बाई जीरो नॉट डिफाइंड ये डिफाइंड ही नहीं है तो इसका मतलब आप यहाँ पर अभी एच पुट नहीं कर सकते जीरो को इसका मतलब आपको अभी इसको क्या करना है और सॉल्व करना है इतना सॉल्व करना है जब कि आप एच एस ज़ीरो रखने पर आपको वैल्यू मिले कोई वैल्यू मिले ऐसा ना हो कि वो डिफाइंड ही ना हो पाए ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसको देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ लिमिट ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी कर दे रहा हूँ फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ये अपॉन क्या है थ्री साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ देन वन बाई थ्री को मैं कॉम बाहर ले ले रहा हूँ वन माइनस कॉस एच वन प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ वन प्लस कॉस एच और वन माइनस कॉस एच ये ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या आपका वन बाई थ्री लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन वन प्लस कॉस एच अब यहाँ पर एच हि कॉस टू जीरो रख के देखिए कॉस जीरो की वैल्यू वन कॉस जीरो की वैल्यू वन कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन, वन वन बाई थ्री अब यहाँ पर रख सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर वन प्लस कॉस ज़ीरो वन आएगा वन का स्क्वायर वन ही आएगा ये भी वन आएगा वन प्लस वन इट मीन्स वन बाई थ्री थ्री बाई टू कैंसिल वन बाई टू आ गया आपका ठीक है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो वन बाई टू आ गई ठीक है चलिए राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे चलते हैं तो लिमिट एच टेंस टू लेफ्ट राइट के लिए तो फिर वही करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई बाई टू प्लस एच फिर क्वेश्चन को लेकर आता हूँ यहाँ पर आपके लिए राइट में ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी तो लिमिट एच टेंस टू जीरो बी वन माइनस साइन एक्स की जगह पर पाई बाई टू प्लस एच पाई माइनस टू एक्स की जगह पर इसको बड़ा ब्रैकेट कर दे रहा हूँ पाई बाई टू प्लस एच और ये पूरे का होल स्क्वायर ठीक है चलिए इधर लिख देता हूँ इसको लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो बी वन साइन नाइन्टी प्लस थीठा क्या होता है कॉस्टीटा होता है तो वन माइनस कॉस्ट हीटा हो गया ये अपॉन इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई माइनस इसको अंदर करें तो टू से टू गेट कैंसिल माइनस पाई और माइनस टू एच होल स्क्वायर ये ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा लिमिट एच टेंस टू जीरो बी वन माइनस कॉस एच अपॉन ये हो गया आपका फोर एच स्क्वायर अब यहाँ पर आप एच विकल्स टू जीरो रख के देखें तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि एच विकल्स टू जीरो रखें तो डिनोमिनेटर में जीरो ऊपर भी रखें तो कॉस जीरो की वैल्यू वन वन माइनस वन जीरो जीरो अपॉन ज़ीरो डिफाइन नहीं हो रहा है इसका मतलब फिर इसको क्या करना है और सॉल्व करना है तो चलिए और सॉल्व करते हैं इसको बी को बाहर ले लेता हूँ मैं कॉन्स्टेंट है अब मैं ये क्या कर रहा हूँ इसमें देखिए आप वन माइनस कॉस टू ठीटा थीटा का जो साइन में फार्मूला होता है वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ठीक और इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ इसको ब्रैकेट ओपन करें तो वन माइनस वन वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एच बाई टू साइन मैं इसलिए ला रहा हूँ कि अभी आगे आपको समझ में आएगा माइनस माइनस गेट कैंसिल हो गया और ये टू जो है वो इससे कैंसिल हो गया तो टू हो गया यहाँ पर यानी बी और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो क्या बचा साइन स्क्वायर एच बाई टू अपॉन टू एच स्क्वायर ठीक है अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि b लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एच बाई टू है और इसको मैं क्या कर रहा हूँ h बाई टू का होल स्क्वायर कर रहा हूँ एच बाई टू का जब होल स्क्वायर कर रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे एच बाई फोर एच स्क्वायर बाई फोर यानी फोर को यहाँ कर रहा हूँ तो फोर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और टू ऑलरेडी है यहाँ पर ठीक है टू ऑलरेडी था यहाँ पर मैं फोर से डिवाइड कर रहा हूँ तो फोर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ठीक है ना देखिए यहाँ पर ये यह टू था पहले से एच स्क्वायर बाई टू कर दिया यानी एच स्क्वायर अप फोर और ये फोर 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 कैंसिल हो जाएगा तो यही आ जाएगा तो एडजस्टमेंट के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर एच बाई टू का होल स्क्वायर कर दिया और क्योंकि फोर से डिवाइड किया तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो four multiply कर दिया अब टू फोर सा एट यानी यहाँ पे बी बाई एट हो गया और ये हो गया लिमिट एच tends टू ज़ीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू का होली स्क्वायर इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन पे किया क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू ये क्या होता है ये वन होता है ठीक है जब आप इसकी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वन होगा इससे पहले भी आपने टेंथ में भी फर्स्ट ईयर टेंथ में भी पढ़ा होगा कंटीन्यूटी में और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि ये जो बेसिक होता है कि लिमिट एक्स एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स एक्स जो होता है, वो होता है है वो वन तो यहाँ से ये यह क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर वन यानी बी बाई एट आ जाएगा ठीक जब तो यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे तो अब एल एच एल इजिक्वल टू आर एच एल इजिक्वल टू एफ क्या था एफ एफ वाई बाई टू जो था वो ए था अब यहाँ पे पुट करें तो एल एच एल जो आपका आया है वो है वन बाई टू आर एच एल जो आया है आपका वो बी बाई एट और ये है ए के इक्वल ठीक अब यहाँ से इन दोनों को लें तो ए इज इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा और इन दोनों को लें इन दोनों को ले लें अगर तो वन बाई टू इज इक्वल टू बी बाई एट इट मीन्स बी इज़ इक्स टू एट बाई टू इट मीन्स बी इज इक्वल टू फोर यानी ए और बी की वैल्यू आ गई आपको ठीक है तो ये जो थर्ड टाइप का दूसरा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से और आप इसके बेसिस पे अपने टेक्स्ट बुक चाहे वो आर डी शर्मा हो चाहे वो एन सी आर टी हो चाहे वो कोई भी हो उससे आप इस तरह के क्वेश्चंस ये जो तीन टाइप के क्वेश्चंस मैंने जो आज आपको बताया है समझाने की कोशिश की आप इस बेसिस पे आप इस तरह के क्वेश्चंस अपने बुक से लगा पाएंगे इसमें वही था ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा था क्योंकि ये साइन कॉस का था और दूसरी बात यहाँ पर हम डायरेक्ट जो एच इजिक्वल टू जीरो एच इजिक्वल टू ज़ीरो पुट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो डिफ़ाइंड नहीं हो रहा था वहाँ जीरो बाई जीरो हो जा रहा था इसलिए हमें इसको क्या करना था थोड़ा सा और थोड़ा सा और इसको स्प्लिट करके छोटा करना था ताकि हमें पुट करने पे वो वैल्यू मिल सके इसलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है तो आई होप कि आपको आज मेरी ये वीडियो आपको ये पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कंटीन्यूटी जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आज बना दिया है नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड पार्ट के साथ आऊँगा कंटिन्यूटी के और उस वीडियो में मैं कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर दूँगा उस को पूरा कंप्लीट कर दूँगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आप मेरी ज़रूर देखिएगा जब आज की वीडियो में फिर इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट टू में टेक केयर थैंक यू बाय